9 साल की पुरानी लड़की तमिलनाडु में वकील द्वारा प्रशिक्षित ट्रेन पर छेड़छाड़ की। कथित मोलेस्ट के पी प्रेम अनंत एक वकील हैं जिन्होंने 2006 में बीजेपी टिकट पर चेन्नई की आरके नगर सीट से चुनाव लड़ा था। एक चेन्नई स्थित वकील को 9 साल की लड़की को शनिवार को ट्रेन में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बच्चा केरल के तिरुवनंतपुरम से चेन्नई में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था और जब वह वकील द्वारा यौन उत्पीड़न पर हमला किया गया था तो त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस पर अपने मध्य बर्थ पर सो रहा था। 2006 में के पी प्रेम अनंत ने आरके नगर से चुनाव लड़ा था। लड़की त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी। जब वह बर्थ पर सो रही थी तो वकील ने कथित तौर पर उसे छेड़छाड़ की। के पी प्रेम अनंत के रूप में पहचाने गए वकील ने 2006 में बीजेपी टिकट पर चेन्नई की आरके नगर सीट से चुनाव लड़ा था। आरके नगर उच्च तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जय जयललिता द्वारा प्रतिनिधित्व की गई उच्च प्रोफाइल सीट थी। पुलिस के मुताबिक शनिवार की रात को वकील ने कथित तौर पर सलम और इरोड स्टेशनों के बीच छेड़छाड़ की थी। लड़की ने चिल्लाने के बाद 9 साल के परिवार को पकड़ा और उसे रेलवे पुलिस को सौंप दिया। एक पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया। बच्चा कहता है कि अपराधी ने अपने स्तनों को छुआ था। कथित घटना उसी दिन हुई जब केंद्र ने बाल यौन शोषण के दोषी पाए गए लोगों के लिए मृत्युदंड पेश करने के लिए एक अध्यादेश या आपातकालीन कार्यकारी आदेश को मंजूरी दे दी। सभी बलात्कारियों के लिए लंबी जेल की अवधि और जांच पूरी करने के लिए 4 महीने की समय सीमा तय की और सभी बलात्कार के मामलों में मुकदमा। इस साल फरवरी में केरल में एक 23 वर्षीय अभिनेत्री एक ऐसे व्यक्ति के पास खड़ी थी जिसने उसे ट्रेन पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की और आरोपी को तब तक पहुंचने में मदद की। दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करने वाले संशा संतोष ने कहा कि वह अपनी आंखें खोलने के लिए चौंक गई और एक आदमी को उसके होंठों के खिलाफ अपना हाथ रगड़ने लगा। सुशोष ने कन्नूर में ट्रेन में प्रवेश किया था, ऊपरी बर्थ था और सो रहा था।